ईशा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में तपते हुए मुसाफिर को अमृत भर गया हो। और तुम अपनी गलतियों की नहीं, अपनी गुनाहों की माफी मांग रही हो। इतने सालों तक तुमने ही काव्या को छुपा कर रखा था। गलतियां गुनाह मेरा नहीं था, मैंने नहीं छुपा के रखा था काव्या को। इनफैक्ट काव्या ने मुझसे धोखे से दोस्ती की और मुझे भेड़िया बना दिया। उसने तो मेरे पूरे फैमिली को भी मार दिया। अगर 150 साल पहले काव्या मिल जाती तो ना तुम्हें ये दिन देखना पड़ता ना हमें। खुशनसीब हो तुम, ये लकी कि तुमने इस हम